नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी प्रोजेक्ट या प्लॉट के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी लोकेशन के बारे में बात करेंगे जो भविष्य में आपको सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती है, मगर अथॉरिटी की गलत नीति और बिल्डर की बेईमानी के कारण आज इस लोकेशन को आप नोएडा की सबसे अनलकी लोकेशन कह सकते हैं। और ये लोकेशन है सेक्टर 143 नोएडा। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर 143 नोएडा का एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अधिकतर सोसाइटीज़ बंद पड़ी हैं, और जो सोसाइटीज़ रनिंग में हैं भी उनमें या तो रजिस्ट्री बंद है या फिर उनमें मेंटेनेंस की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आप निवेश के लिए किसी भी लोकेशन का चयन करें तो उसके बारे में सही से जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, मगर हर किसी के लिए लोकेशन का सही चयन करना मुमकिन नहीं, क्योंकि रिसर्च के लिए अधिकतर लोग गूगल पर ही निर्भर हो गए हैं। मगर यहाँ आपको ये समझना होगा कि गूगल अलग अलग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेकर आपको शेयर करता है, उसकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती। इसलिए आप केवल वही जानकारी ले पाते हैं जो बिल्डर और प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको देना चाहते हैं, मगर प्रॉपर्टी दुनिया चैनल के माध्यम से आप जो जानकारी लेते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष और प्रैक्टिकल होती है। और आज के इस वीडियो में हम सेक्टर 143 नोएडा का निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप कहीं भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो हर लोकेशन के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए आपको किसी भी लोकेशन की डिटेल एनालिसिस करने से पहले ये समझना चाहिए कि उसके नुकसान इतने ज़्यादा ना हों जो उसके फायदे पर हावी हो जाएं। और इसलिए सेक्टर 143 की डिटेल एनालिसिस में हम इसके फायदे और नुकसान दोनों जानेंगे। और सबसे पहले हम सेक्टर 143 की लोकेशन के फायदों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेक्टर के वातावरण की, जो दूसरे सेक्टर के मुकाबले आपको एक बेहतर अनुभव देता है, क्योंकि इस सेक्टर के एक तरफ हिंडन नदी का डूब क्षेत्र आता है, जिससे सेक्टर में लो डेंसिटी और लेस पॉल्यूशन का एक एडवांटेज मिलता है। डूब क्षेत्र होने से आपको इस सेक्टर में ग्रीनरी भी दूसरे सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। मगर सबसे बड़ा रोल जो आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में मदद करता है वो है आसपास आईटी कंपनीज और कॉर्पोरेट कल्चर का होना। और इस सेक्टर में ही आपको डीएलएफ आईटी पार्क होने के साथ साथ इसके आसपास की लोकेशन में भी कंपनीज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, जो भविष्य में संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने में तो सहायक होती ही हैं, साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी पर मिलने वाला किराया भी दूसरी लोकेशन के मुकाबले ज़्यादा देती हैं। किसी भी लोकेशन पर यदि मेट्रो हो तो उस लोकेशन को एक अलग ही एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी से पब्लिक कन्वेंस की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और सेक्टर 143 का अपना ही डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन है जो इस लोकेशन को फायदा देता है। कनेक्टिविटी के मामले में ये सेक्टर नोएडा के दूसरे सेक्टर के मुकाबले बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे और FNG के साथ सटा होने से इस सेक्टर की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर तो है ही, साथ ही साथ यहाँ से भविष्य में ग्रेटर नोएडा के लिए एक अलग रोड निकलने से भी इस सेक्टर को दूसरे सेक्टर के मुकाबले एक अलग ही एडवांटेज है। अब ये तो हो गए इस सेक्टर के फायदे, मगर बिना कमी जाने लोकेशन का रिव्यू अधूरा होता है। और इस सेक्टर का सबसे बड़ा अभिशाप इसमें बनने वाली सोसाइटीज का स्टक होना है, जिसमें लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स, सिक्का कर्नम, सिक्का कामना ग्रीन्स, लॉजिक्स जेस्ट और विक्ट्री एस जैसी सोसाइटीज आती हैं, जो इस सेक्टर को बसने से रोक रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम सोसाइटीज के स्टक होने के कारण ही बनी हुई है, और वो है सेक्टर में कॉमर्शियल एरियाज का ना होना। अब क्योंकि गुलशन इकबाना, आकृति शांति निकेतन और विक्ट्री क्रॉसरोड्स के अलावा यहाँ कोई भी सोसाइटी कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण यहाँ शॉपिंग एरियाज डेवलप नहीं हो पाए हैं और लोगों को अधिकतर चीजों के लिए सोसाइटी शॉप्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा सब्जी मार्केट का ना होना भी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि सब्जी खरीदारी भी लोगों को सोसाइटी शॉप से ही करनी पड़ती है, जहां आपको दुगने दामों में चीजें मिलती हैं। पास्ट में अथॉरिटी की गलत नीतियों के कारण ये सेक्टर सबसे बदकिस्मत रहा है, क्योंकि गलत नीतियों से इस सेक्टर की अधिकतर सोसाइटीज तो अधूरी हैं ही, मगर अथॉरिटी ने भी इस सेक्टर को डेवलप करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। अब वैसे तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और लीज रेंट के नाम पर कस्टमर से खूब पैसा उड़ाया जाता है, मगर सेक्टर की समस्याओं को सुधारने में भी अथॉरिटी की इस सेक्टर में कोई खास रुचि नहीं, जिसके कारण इस सेक्टर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब है
और अधिकतर सोसाइटीज सीवर के ओवरफ्लो होने और उसमें होने वाली बदबू की समस्या से जूझ रही हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में सुबह या शाम की सैर के लिए अथॉरिटी द्वारा कोई पार्क भी डेवलप नहीं किया गया। अब क्योंकि हर सोसाइटीज का एरिया इतना बड़ा नहीं कि उसमें इंटरनल पार्क की सुविधा हो, इसलिए अथॉरिटी को यहाँ एक पार्क भी बनाने की आवश्यकता है। वैसे तो एक पार्क इस सेक्टर के शुरुआत में भी उपलब्ध है, मगर वो केवल एक या दो सोसाइटीज के ही नजदीक पड़ता है, जिससे बाकी की सोसाइटीज इस पार्क का लाभ नहीं उठा पाती। अब यदि इन सभी समस्याओं का अथॉरिटी जल्द से जल्द समाधान लाती है तो इस सेक्टर को चार चांद लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस सेक्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस में आईटी कंपनीज की भरमार है और नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बीचों बीच होने से यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे जाना या दिल्ली की ओर जाना दोनों ही आसान है। प्रोफेशनल लाइफ में हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, मगर रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए हमें सही समय पर सही निर्णय, डिटेल रिसर्च और धैर्य की आवश्यकता होती है। और जो लोग इन सभी चीज़ों के बिना रियल एस्टेट में निवेश करते हैं वो अक्सर असफल होते हैं और अपने निवेश में नुकसान उठाते हैं। जय हिंद।